हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही लाभदायक जानकारी के साथ एक बहुत ही हटके रेसिपी सिखाने वाली हूँ, तो मेरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे करेलों से क्रंची चटनी, जिसके लिए हमने करेले लिए हैं। इन्हें हमने सिर्फ अच्छे से पानी से धो लिए हैं। इसके लिए जो सामग्री लगेगी उसे हम देखते हैं। हमें लगेगा एक प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, 5-6 लहसुन की कलियां जिसे भी हमने काट लिया है, भुने हुए मूंगफलियों के दाने का दरदरा पाउडर, ऑयल, साथ में लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर मैंने लिया है, नमक, हल्दी और जीरा, और साथ में चुटकी भर हींग। अब हमें इस चटनी को किस तरह से बनाना है ये देखते हैं। तो हमने जो करेला लिया है उसे हम इस स्लाइसर से बारीक स्लाइस में कट करेंगे, ना ही हम इन्हें छुरी से काटेंगे। छुरी से थोड़े से मोटे मोटे कट होता है, स्लाइसर से ऐसे पतले स्लाइस कट होता है, जैसे कि ऐसे इतने पतले स्लाइस। फ्रेंड्स, आपने देखा करेलों के छिलके छिलके को मैंने उतारा नहीं है। करेलों के छिलके में ही पौष्टिकता होती है। आमतौर पर करेले के छिलकों को उतार लिया जाता है, लेकिन ये करना गलत है। या नमक लगाकर उसका जूस निकालकर उसे फेंक दिया जाता है कड़वापन होने की वजह से, लेकिन ये भी बहुत ही गलत है। हमें ना ही करेलों को उबालना है ना नमक लगाकर उसका जूस फेंकना है। हमें करेलों को छिलके सहित लेना है, और देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से बारीक बारीक स्लाइसों से स्लाइस में इस करेलों को कट किया है। इनमें से सिर्फ पके हुए बीज मैंने हटा दिए। अब हम गैस ऑन करते हैं। गैस पर मैंने तवा रखा है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी क्रंची हो जाए, हमारी चटनी क्रंची हो जाए, इसके लिए हमें तवा ही लेना है। आपके पास अगर कोई पैन हो तो पैन में बनाइए, लेकिन कढ़ाई में मत बनाइए। कढ़ाई में बनाने से ये गीली हो जाएगी, इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और चटनी का क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तवे पर ही हमें इसे बनाना है। तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, थोड़ा जीरा डाला है। जीरा तड़तड़ने के बाद अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। बस प्याज को हमें ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। करेला ये जो सब्जी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। हफ्ते में आपको इसे अपने आहार में एक बार तो ज़रूर शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं करेलों के कुछ फ़ायदे आपको यहाँ पे बताती हूँ। फ्रेंड्स, पर करेला जो है ये लो कैलोरी फूड है। फ्रेंड्स, इसे हमें वज़न घटाने के लिए तो ज़रूर ही खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें लहसुन को बारीक कट किए हुए लहसुन को डाला है। लहसुन की पेस्ट हमें इसमें नहीं डालनी है। चटनी में अक्सर लहसुन की कलियों को कट करके ही डाला जाता है, जिससे ये स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स, करेला जो होता है वो हमारी आंतों को हानि पहुंचाने वाले विषैले पदार्थों को भी ख़त्म करता है। करेला ये तो फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत भी है। अब मैंने ज़रा सा चुटकी भर हींग इसमें डाला है। अब मैं डालने जा रही हूँ हल्दी, 3 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच है मेरे, और छोटे से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आजकल जो बीमारियां फैल रही है, इसमें हमें हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। तो करेला हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब इसमें मैंने डाल रही हूँ नमक। नमक की वजह से ये सारे मसाले जल्दी से पक जाएंगे। बहुत ही कम सामग्री हमें इसमें लगती है, और सिर्फ 10-12 मिनट में ये क्रंची चटनी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें बारीक स्लाइसेस किए हुए करेले डाल रही हूँ। इसके जो कच्चे बीज है वो रहने देना चाहिए, उसमें उनमें भी पौष्टिकता होती है। सिर्फ पके हुए बीजों को मैंने हटाया है। छिलके सहित मैंने ये करेला लिया है।
जिससे इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। हमने बिल्कुल भी इसे पानी में पहले से उबाल के वगैरह नहीं लिया है, ना नमक डाल के रखा था, ऐसे ही करेले हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसे बनाएंगे तो करेले में फाइटोन्यूट्रिएंट्स एवं एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे वज़न घटाने में हमें सहायता करता है। हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में करेला सहायक होता है। अब इसका कड़वापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा जब आप इसमें ऐड करेंगे भुने हुए मूंगफली के दाने का दरदरा पाउडर। तो ये बड़ी ही स्वादिष्ट चटनी हमारी फ्रेंड्स देखो 10 मिनट में तैयार हो गई। करेला जो है फ्रेंड्स हमारे लीवर के कार्य में सुधार लाता है, रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है। तो इतनी पौष्टिक सब्जी को आप बिल्कुल भी टालिए मत सिर्फ इसके कड़वेपन की वजह से। इस तरह से आप बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आपको ज़रूर बना के देखना होगा ये क्रंची चटनी को, आपको ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। और इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाएगी जब आप इसे बाजरे के रोटी के साथ खाएंगे। मैंने बाजरा, ज्वार और रागी का आटा मिक्स करके ये रोटी बनाई है, जिससे कि ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी रोटी के साथ और संतुलित थाली हमारी एक वक्त के खाने की तैयार होती है। फ्रेंड्स करेला जो है वो हमारी थकान, सिरदर्द, पाचक समस्याओं को दूर करता है। इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों की समस्या को मिटाने में मदद करता है, जिससे हमारी मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को दूर करता है। करेले में विटामिन सी होता है जो हमारी त्वचा में सुधार लाता है, मुहासे जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। करेला जो है ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है फ्रेंड्स, आपको इसे जरूर खाना है। जानकारी और रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे, और लाइक करना मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब तो जरूर करना है और शेयर भी करना है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।